नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते 12 दिनों से फिर गायब हो चले हैं। इस वक्त मैं राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आज सूचना थी कि आज हो सकता है कि तेजस्वी यादव आज आए, लेकिन वो सूचना भी कैंसिल हो गई। आज तेजस्वी यादव फिलहाल पटना नहीं आ रहे हैं। एक नज़ारा देखिए, बीते 12 दिनों से राबड़ी देवी भी राबड़ी आवास पर मौजूद नहीं है और तेजस्वी यादव भी मौजूद नहीं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो RJD को चाहने वाले हैं, समर्पित कार्यकर्ता नेता लगातार राबड़ी आवास पर आते रहते हैं और उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिशों को लेकर, लेकिन वो अभी तेजस्वी यादव नहीं है। और कुछ गया से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर आए हैं तेजस्वी यादव से मिलने, अपनी बातों को रखने के लिए, और गया में किस तरीके से RJD को मजबूत किया जाए, इन सब बातों को लेकर इन्हें चर्चा करना था तेजस्वी यादव से। लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल अभी दिल्ली में है, वो अब तक नहीं आ पाए। हालांकि आपको बता दें कि पहले सूचना थी कि आज तेजस्वी यादव आएंगे, आने वाले हैं पटना। यही वजह है कि एक कार्यकर्ता जो हैं कि आज खुद राबड़ी देवी के आवास पर आए थे उनसे मिलने के लिए। आज आप लोग तेजस्वी से मिलने आए थे? जी, हम लोग तेजस्वी यादव से मिलने आए थे, प्रतिपक्ष के नेता और राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी से भी मिलने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी जो है तत्काल सूचना मिली कि अभी नहीं आ रहे हैं। तो पहले क्या सूचना थी कि वो आज आने वाले हैं? कुछ ऐसे कुछ सूचना थी कि जो है कि हो सकता है कि आज आवे, त्यौहार के मौका है, तिल संक्रांत भी है 14 तारीख को, तो हम लोग देखे कि हो सकते हैं कि आज घर पे होंगे तो हम लोग चले कि यहाँ मिल लेंगे, लेकिन संयोग से मुलाकात नहीं हुई। फिर भी हम लोग खुश हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जो है पार्टी के समर्पित नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं सर। जी, गया जिला के जिला अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुर्शीद आलम उर्फ निजाम भाई। आपको चर्चा भी करनी होती होगी तेजस्वी यादव से, किस तरीके से गया में पार्टी को मजबूत किया जाए। जी, पार्टी के तो हम लोग मजबूत जो है कि अभी लगे हुए हैं, एकदम जो है बूथ स्तर से लेके जो है कि आपको प्रखंड स्तर तक। आपके साथ कौन कौन आए हैं? हमारे साथ जो है कि सरस्वती देवी है, महिला सेल के अध्यक्ष गया, हाँ गया, और प्रधान महासचिव जितेंद्र यादव हैं गया जिला के, और बुनकर प्रकोष्ठ के जो है कि आपको जिला अध्यक्ष हैं बुलबुल अंसारी जी। सभी गया से ही आए हैं, आप भी मिलने आए थे तेजस्वी यादव से, मुलाकात नहीं हो पाई, पहले सूचना थी कि वो आज आने वाले हैं, क्या कहेंगे? ये हम लोग तो आए थे कि माननीय बिहार को जो आइकॉन है युवाओं का, तो हम लोग का युवा का बिहार का जितने युवा लोग हैं उनको काफ़ी उम्मीद है तेजस्वी जी से कि बिहार में इनके नेतृत्व में ही बिहार सुदृढ़ और युवाओं का जो बेरोजगारी का आलम है, जब इनका 2020 में हम लोग चाह रहे हैं और लगे हुए हैं कि 2020 में तेजस्वी जी का सरकार बने और युवाओं बिहार का जितने युवा लोग हैं उनका कल्याण करेंगे। और माननीय जो लालू जी का सपना था कि बिहार को हम लोग गरीब, जो गरीब गुरबा जिनका आवाज़ लालू जी बने थे, और गरीब गुरबों का बिहार में जो मान सम्मान और जो इज्जत देने का उन्होंने काम किया है, बिहार के जनता के भी भूलने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं भाजपा वाले लोग कि लालू यादव जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन बिहार में फिर से जो 1990 और 95 में था उस तरह का तूफान फिर से आने वाला है, वो आगाह कर चुके हैं। पिछले बार भी उन्होंने इशारा किया था बिहारवासियों को कि 2014 में ही आगाह किए थे कि देश जो है गलत हाथ में जाने मत दीजिए, नहीं तो देश को इन लोग तोड़ने का कोशिश करेंगे, और उनका भविष्यवाणी जो हुआ करता था वो आज सही साबित हो रहा है। लेकिन हम लोग का घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरे बिहार में हम लोग मुस्तैदी के साथ 2020 का गरीब गुरबा जाग चुका है फिर से, जो नया जो 90 के बाद जो अब युवा आए हैं उनको तक आवाज़, जो लालू जी का आवाज़ था वो हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और हर बूथ गांव स्तर टोला से 2020 में फिर से वही तूफान निकलेगा और 2020 में माननीय तेजस्वी जी का सरकार बिहार में स्थापित होगा, और फिर से ये नीतीश बाबू भी कहते हैं। चलिए हम और ये महिला कार्यकर्ता हैं RJD की, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज तेजस्वी यादव से मिलने आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई, कितनी निराशा लगी होगी आपको? नहीं, हम लोग का कोई निराशा नहीं है, हम लोग आए थे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जी से,
तो इन लोग यहाँ नहीं है तो हम लोग को कोई निराशा नहीं है। चलिए, इसी तरीके से लगातार कार्यकर्ता आते रहते हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास पर, लेकिन तेजस्वी यादव बीते 12 दिनों से अपने आवास यानी कि राबड़ी आवास पर मौजूद नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं और नेताओं का हर पल हर दिन इंतजार रहता है कि तेजस्वी यादव कब आएंगे, वो अपनी बातों को तेजस्वी यादव के सामने रखेंगे। हालांकि आज सूचना थी कि तेजस्वी यादव पटना आएंगे, लेकिन आज भी वो नहीं आए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।